खो जाओ इसमें बाहर मत निकलो, यहाँ बहुत सारे लोग रहेंगे, कोई मेरे से ऊपर जाएगा ठीक है ना, लेकिन कोई कोई तली में ही बैठा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इन दिनों को व्यर्थ समझेगा। इसकी महत्ता तभी है जब आप इसमें लग जाते हैं। ठीक है, आज शायद आपका आठवां दिन है ना सबका, मेरा सातवां, आपके लिए और भी अच्छी बात है, इनका एक दिन जा चुका है ठीक है ना। यही दो दिन समाधि के हैं ये सब, ठीक है। केवल मन के अलावा और कुछ हुए है ही नहीं संसार में। मन को जिस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है उसकी ये सबसे बड़ी विधि है। इसमें मन के बहुत सारे विषय छूट जाएंगे, आप मन मन पे लगे रहोगे और इसी में दो दिन ईश्वर का सानिध्य मिलता है। यही सब कुछ है, ये मन के प्राणपन से ये दो दिन का जाप करना, फिर गुरु मंत्र का जाप करना, फिर गुरु मंत्र से ही सब कुछ बाहर निकालना है लोगों के शरीर से। बोल जय शंकर। कोई समय अपने गवाना नहीं है ठीक है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई कोई तली में ही बैठा रह जाएगा और कोई कोई ऊपर आ जाएगा, पानी है ना मटके में पानी भरा हुआ है, कोई तली में बैठा रह जाएगा, कोई कोई ऊपर आ जाएगा। अब बहुत सारे भी डालते हैं मखाने, मखानों में बहुत सारे ऊपर भी रहते हैं और बहुत सारे नीचे डूब जाते, इस तरह नीचे डूब के नहीं रहना, आपने उठना, आपके पास यही थी बस, यही समझना है हमारे पास लास्ट है ठीक है, हमेशा इसमें नहीं लगे रहना है, इससे ऊपर बढ़ना है, इससे ऊपर बढ़ने में बहुत वो है। भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो भगवान के पास बहुत कुछ होता है भक्तों को देने के लिए, इतनी माया, इतनी संपत्ति, इतनी दैवीय संपत्ति है उसके पास देने के लिए कि कभी कमी आती ही नहीं है। ये देखो ऐसे ऐसे माया अधिपति बना दिए हैं, राक्षसों को ही देखो कितनी कितनी शक्तियाँ दे दी कि भगवान से ही 5,000 वर्ष लड़ते रहे। तुम तो फिर भगवान के भक्त हो, तुम्हारे लिए तो उसका हृदय खुला ही खुला है, ऊपर ही ऊपर है, तो सब कुछ सबके सामने दिखाया नहीं जा सकता, आगे समझ में। इसलिए सबको गुप्त भी रहना है, अपनी बात कोई नहीं बतानी, अपना अनुभव किसी को नहीं बताना है। कोई आपका यहाँ कितना ही प्रिय हो जाए बात करने में, उसको अपनी कोई बात नहीं बतानी है, मुझे ये सपना आया ठीक है, अच्छा आएगा, कभी बुरा भी आ सकता है किसी को, लेकिन जिन बुरा बता दो, अच्छा कुछ नहीं, गुप्त जितना रहोगे जितना रखोगे उतना भगवान के निकट रहोगे, और एक बार उसका सानिध्य मिला भेद खुल जाएगा, फिर भगवान आपके साथ रहेंगे, फिर कभी नहीं जाते। लेकिन जहाँ राज उजागर किया वहाँ मामला खराब हुआ, तली से उठना है नीचे नहीं रहना। इसलिए जो दिन है जितने दिन है वे सफिशियंट है, सफिशियंट है, तभी मैंने 8-9 दिन की साधना कराई। तो पहले 2 दिन जिभ्या से जप करना है दबा के, रात दिन रात दिन, कितना ही दर्द फूटे कितना ही चाहे, अब यही सोचना है कुछ हो जाए ठीक है, कितना ही दर्द फूट ले, कोई मेरे अंदर है वो भी फूट ले, वो भी टूट ले ठीक है कि नहीं, लेकिन अपनी जिभ्या का जप छोड़ना नहीं है, कितना ही दबाव लगे। तो 2 दिन जिभ्या का जप है, 2 दिन उपांशु और मानसिक है, वो बहुत धीमी गति से करना है, फिर जब मानसिक मानसिक आना है वो भी बहुत धीमी गति से करना है। कितनी धीमी गति से करना? बहुत धीमी गति से, मन ही मन, तीन बार शायन हम बोला, 3 बार इसके ऊपर जय शनिदेव बोल दिया है ना, छोड़ना नहीं है कुछ नहीं, व्यर्थ समय होना नहीं चाहिए तुम्हारे पास, फालतू की बातें होनी नहीं चाहिए तुम्हारे पास, तुम समय छोड़ के आए हो, समय दे रहे हो ठीक है, खर्च भी कर रहे हो, कहीं बाहर रह रहे हो, किसी को अपने बच्चे पाल रहे हो, किसी को कोई काम है, किसी को कोई काम, समय की महत्ता समझना बस, मेरे कहने से इतना याद रखना, आगे ना इतना ही समय होता है। और जब कोई बड़ा कहता है, गुरु कहता है, तो उसको समझ में आती है कि आप अगर समय की वैल्यू कदर समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसका मतलब ऊपर जाने वाले, वरना तो तली में पड़े रहने वाले ठीक है। बातें करने के लिए आपके पास समय नहीं, कोई समय नहीं आपके पास, आप भगवान का नाम लेने आए हो, भगवान के होने आए हो, भगवान के होके ही जाना, भगवान का नाम लेके ही जाना, वरना गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी। जो आध्यात्मिक संपत्ति है वो मिलेगी नहीं, आध्यात्मिक संपत्ति भगवान का होने से ही मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। धीमी गति से जाप करना है, किसी को बाधा रहेगी फिर देखेंगे, लेकिन बाधा मेरे हिसाब से अगर आप ऐसे जप कर रहे हैं तो कटेगी कटेगी। फिर उपांशु मानसिक करना, उपांशु मानसिक नहीं होता, बाधा महसूस होती है, फौरन बताओ 6 नंबर में पहुंच जाओ, वहां बैठ के जप करो जीप से ठीक है, 3-4 दिन के अंदर बाधा कट जाएगी। साहस मिला रहता है आगे ना, क्या मिला रहता है? साहस मिला रहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा सदा के लिए। बोलो जय शंकर, जय शंकर। कई लोग ऐसे हैं जिनका 7वां और 8वां दिन है, कौन कौन है? 8वां और 9वां, सातवां दिन है। कुछ महसूस होता है तुझे? ये जैसे जाप कर रही हूं ना, तो मेरा ऐसा भरा है पहले में, अब में कितना अंतर आया? इतना शरीर मेरा हल्का हो गया।
आपको घर द्वार कुछ नहीं है, बिल्कुल हल्के आपको। हाँ सुन तो हो जाए, सुन तो एक उसका बिना दर्द के अगर सुन हो रहा है तो ठीक है। अभी चल रहा, तेरे को बहुत ताकतवर चीज थी, तेरे को बहुत ताकतवर चीज थी, तू केवल जय शनिदेव ओम सं शय नमः ओम सं शय नमः मैसेज। ये जब से आराम लग रहा हूं मैं, मैंने बीच में दो दिन आपको कल तो भैया मैं आई थी, कल तो अच्छे तरीके से जाप हो रहा था, एनर्जी सी लग रही थी। आज दबाव पड़ेगा पूरा, और आज तो मुझे चक्कर से आ रहे हैं सिर में, दबाव पड़ेगा। एक दिन फालतू करिए बोलने वाला था कल, पहला ही तो दिन था जी आपका। हाँ इनका पहला दिन, पहला ही दिन कल तो आपका, इन दोनों का पहला दिन था, दूसरा दिन जीप का जब करना होगा ठीक है। दोनों आपके सामने बैठ जाए, दर्द बढ़ेगा बिल्कुल, मैं नहीं कहता फटने को हो जाएगा पूरा शरीर है, फिर अगले दिन से भी नहीं होता। बात आगे यही बात है, अगर आप उससे जीत गए जाप करने में तो अगले दिन से वो अपना जो संकल्प है वो छोड़ देगा आपके अंदर रहने का, जहाँ उसका छुट्टा उसी दिन से आपको लाभ हो जाएगा। और तुम जब करने के लिए तैयार हो आगे, तुम्हारा हो गया ना सिस्टम, तेरा कौन सा सातवा आठवा दिन, आठवा आपका सातवा, तेरा सातवा ही दिन था, कितने दिन से रह गई तो महीने भर से जाप करते हो तो विचार ही नहीं आता, कोई मन को ही समोसा खा लिया, आपने अपनी इच्छाएं पूर्ति कर दी तो मन उसी में लगा रहेगा। जब मन को ये पता चलेगा मेरी जड़ इच्छा कोई भी पूर्ति नहीं हो रही है और ईश्वर इच्छा सारी पूर्ति हो रही है, तो वो वापिस उसी मार्ग पे लौट जाएगा, श्रेय के मार्ग पे लौट जाएगा, फिर वो प्रेय के मार्ग पे नहीं रहेगा। आगे ना, श्रेय और प्रेय दो मार्ग है, श्रेय श्रेष्ठ है, श्रेय ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है और प्रेय संसार के पदार्थों का प्राप्त करने का मार्ग। तो श्रेष्ठ बनोगे या प्रेष्ठ बनोगे, श्रेष्ठ बनोगे। बोलो जय शनि।